मेरा नाम आदम है। मैं मेरे को गेहूँ की एलर्जी थी, मेरे को गेहूँ की चपाती बनती, मेरे एलर्जी थी मेरे को गेहूँ की, मैं सही हो गया। अब मेरी चपाती बनती, अब मैं सब कुछ खाने लगा हूँ। अभी मेरे को कोई टेंशन नहीं है गेहूँ में। मैं आदम अली की मदर बोल रही हूँ। पहले मेरे बच्चे को गेहूँ की एलर्जी थी, चपाती बनती थी मेरे बच्चे की, तो अब जब से डॉक्टर गंगावाल की दवा खाई है बच्चा मेरा नॉर्मल हो गया है, चपाती भी खाता है, सब खाने लग गया बच्चा मेरा, जब से नॉर्मल हो गया है। हमने विवेक डॉक्टर विवेक ने बताया था हमें कि बच्चे को गेहूँ की एलर्जी है, तो हमारे यहाँ काम करने आती थी बच्ची, उन्होंने बताया कि डॉक्टर गंगावाल की दवा से ठीक हो जाते हैं, तो आप उनका ट्रीटमेंट लो। मैंने डॉक्टर गंगावाल का ट्रीटमेंट लिया ना, तो मेरा बच्चा नॉर्मल हो गया। साल भर से खा रहा है मेरा बच्चा, ये बस रिपोर्ट भी नॉर्मल आई है बच्चे की, मेरी 2-3 बार नॉर्मल आई है, करवा ली थी हमने, तो नॉर्मल ही आई है उससे। इसको भी अगर गेहूँ की एलर्जी हो तो डॉक्टर गंगवाल को ही दिखाएं, कहीं भी हो, कौन से घटना, हम बाहर कंट्री में भी गए थे, वहाँ भी इसको यही हो रहा था। हमने फिर वापस आए तो वहाँ से आके हमने डॉक्टर गंगवाल की ट्रीटमेंट दिलवाया ना, तो हमारा बच्चा नॉर्मल है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, हमारा बच्चा कुछ भी खा सकता है। गंगवाल होम्योपैथी रिसर्च हॉस्पिटल की 5 ब्रांचेज हैं, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और गुजरात। डॉक्टर गंगवाल को जयपुर में आयोजित MyFM 94.3 की ओर से पूर्व सांसद डॉक्टर महेश जोशी द्वारा गेहूं से एलर्जी के सफल इलाज के लिए सम्मानित किया गया।